पहले हम आई मेकअप कर रहे हैं, इसके लिए मैंने टाट का स्टेप टिप यूज़ किया है, जिससे हमें आईलेड एरिया पे लगाना है, आईब्रो से नीचे और लिड के ऊपर। अब एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और उसके ऊपर फिर मैं मेकअप स्टूडियो का पाउडर, लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब हमें आईब्रो शेपिंग करना है, इसके लिए मैं इन कलर का आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें क्रीम और पाउडर दोनों तरह के कलर्स होते हैं। पहले हमें क्रीम कलर से आईब्रो की शेपिंग कर लेनी होती है, उसके बाद फिर हमें पाउडर कलर से उसे फिल करना होता है। आईब्रो की बहुत सुंदर से शेपिंग करने के लिए आपको अंगूठे की मदद से स्ट्रेच करना होगा, जिससे एक एंगुलर शेप फॉर्म हो जाएगा, वहाँ आपको कलर फिल करना होगा। और आईब्रो के स्टार्ट में आपको कलर थोड़ा कम लगाना है, जो नेचुरल लुक देगा, वहाँ बहुत ज़्यादा कलर अच्छा नहीं लगता है। आज हम ग्लैम आई मेकअप करेंगे। स्टार्ट हमको क्रीज एरिया से करना है। क्रीज एरिया पे मैं बहुत ही लाइट सा ब्राउन कलर ले रही हूँ, जो करीब करीब मिट्टी के कलर जैसा है। इस तरह के ब्लेंडिंग ब्रश से अभी अब हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं, जिसे हमें आउटवर्ड ब्लेंड करना है। अब हमें थोड़ा मीडियम ब्राउन कलर लेना है और उसे क्रीज से थोड़ा ऊपर लगाना है और आउटर ही उसे ब्लेंड करना है। ये मैक का आई हाइलाइटर, जिसे हमें ब्रो बोन एरिया को हाइलाइट करना है छोटे से फ्लैट ब्रश में लेकर। हुडा के रूबी पैलेट से अब मैं ऑरेंज कलर लेकर आईबॉल जहाँ खत्म होता है वहां पर सी शेप में लगा रही हूँ। अब हुडा के रूबी पैलेट से ही मैं मैरून कलर ले रही हूँ, जिसे मैं आउटर वी पर वी शेप में ही लगा रही हूँ। अब टाट के सेपटेप से हमें हाफ कट क्रीज बनाना है। वही वही कंसीलर है जो हमने पहले
आईलिट पे यूज़ किया था, इसे एक छोटे से पेंसिल ब्रश में लेकर हमें कट क्रीज बनाना है। जो सी शेप हमने ऑरेंज कलर से बनाया था उसे अभी भी हमें ध्यान से कंटिन्यू करना है। वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अब इसे सेट कर लेना है और उसके बाद व्हाइट कलर का आई शेडो इसके ऊपर लगा लेना है। बेस में जब व्हाइट आई शेडो हम यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर हम जब ग्लिटर कलर यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लिफ्टेड होकर दिखता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है। अब मैं टूवे जेल यूज़ कर रही हूँ जो एक ग्लू है ग्लिटर के लिए। इसे हम पहले उस एरिया पे लगा लेंगे जहाँ हमें ग्लिटर लगाना है, फिर उसके ऊपर हम ग्लिटर को स्टिक करेंगे। ग्लू के ऊपर अब हमें इनर कॉर्नर पर सिल्वर कलर, उसके बाद गोल्ड कलर और फिर उसके बाद मरून कलर का ग्लिटर स्टिक करना है। अब मैं इन्हें फेक लेसेस लगाऊंगी, पर उससे पहले मैं लाइनर और मस्कारा इन्हें लगा दूंगी। उससे क्या होगा कि जो फेक लेसेस होती हैं और जो रियल लेसेस होती हैं उनके बीच में जो एक गैप होता है वो गैप बहुत अच्छे से हाइड हो जाता है। अब लोअर लैश पे वर्क करके हम मेकअप को फिनिश करेंगे। पहले हमें ब्लैक कलर के आई शेडो से आउटर लाइन बना लेनी है और उसके बाद जो मैरून कलर हमने यूज़ किया था उसे फिर से बाहर लेते हुए ब्लैक कलर के साथ मर्ज करते जाना है। आप देख सकते हैं इनके स्किन के दाग धब्बे पूरी तरह से छिप गए हैं, इनको बहुत ही सुंदर फ्लॉलेस स्किन मिल गई है और वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसको कोम करने के बाद एप्लीकेटर की मदद से मैं अभी मस्कारा लगा रही हूँ। इसे सूख जाने के बाद इसमें सेकेंड कोटिंग करूँगी और फिर मैं थर्ड कोटिंग भी करूँगी। लाइनर लगाकर मैं मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ। ये ग्लैम आई मेकअप है, इसमें हमें लाइनर को बहुत एक्सटेंड करके नहीं लगाना होता है। ये है ब्राइड का फाइनल लुक, बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हैं वो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। और आपके पीएसी का आई मेकअप कंसीलर, ये हमें आईब्रोज के नीचे और आईलिड एरिया पे लगा लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर को पानी से स्क्वेश कर लिया, अब इसे ब्लेंड करेंगे।
थ्रेडिंग करते समय प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से बस डैपिंग मोड से स्प्रेडिंग करते जाना है। ये लैक्मे का 9 to 5 पाउडर, इसे हम आई मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह के पाउडर ब्रश से पाउडर लेके डैपिंग मोड में मेकअप को सेट कर लेना है। इससे हमें एक स्मूथ आई बेस मिल जाएगा जिस पे जो भी कलर हम आई शेडो को यूज़ करेंगे वो बहुत वाइब्रेंट होके दिखेंगे और पिगमेंटेड लगेंगे। ये इन कलर कॉस्मेटिक का आईब्रो किट है, इससे हम पाउडर बेस में ले रहे हैं प्रोडक्ट जो उसे आईब्रो शेपिंग करेंगे। आईब्रो शेपिंग करने से पहले स्पूली से उसे एक बार फॉर्म कर ले तो आपको एक शेप समझ में आ जाएगा। मैक का आईब्रो हाइलाइटर और एक छोटा सा ये ब्रश। अब आईब्रो को ऐसे स्ट्रेच करिए और जिस जगह पे एंगुलर फॉर्म होता है उस जगह में हाइलाइटर को लगाइए और उसे नीचे की तरफ स्प्रेड करना है। बहुत लाइट सा एक पिच कलर का शेड लेके पहले इसमें मैं क्रीज लाइन को डिफाइन कर लूँगी। इस तरह के ब्लेंडिंग ब्रश से अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा ट्रांसलूशन कलर होगा जो हमेशा हम एक लाइट कलर से चालू करते हैं। उसके लिए आप पिंक कलर है, पिच कलर है या किसी भी कलर का बहुत लाइटेस्ट शेड यूज़ कर सकते हैं। पिंक एंड पिच या लाइट ब्राउन भी यहाँ पे अच्छा लगता है। इस तरह से हमें इस कलर को ब्लेंड कर लेना है। अब हम ग्रीन कलर से काम करेंगे। अभी मैं मैक के पैलेट से लाइट ग्रीन कलर ले रही हूँ। अब वो ग्रीन कलर के साथ थोड़ा सा हमें ब्लैक कलर मिक्स कर लेना है और दोनों आई कॉर्नर को डार्क करना है। ये PSC के पैलेट से लिली ग्रीन कलर है, ये इसको यहाँ स्टार्ट में लेना है। ये लिक्विड ग्लिटर कलर
हार्ट का शेप है। ब्यूटी ब्लेंडर, ये मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर और एक ब्लेंडिंग ब्रश। एनेस्थीसिया का कंट्रोल पैलेट जिससे हम ले रहे हैं डार्क ब्राउन कलर। ये हुडा के आई शेडो पैलेट से मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ जिसे मैं आईब्रो के ऊपर लगा लूंगी। अब हुडा के पैलेट से ये मैं पिच कलर ले रही हूँ। तो इस तरह के ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब पीएससी के पैलेट से मैं ये ब्राउन कलर ले रही हूँ। अब उसी सेम पैलेट से मैं ये रस्ट कलर ले रही हूँ। इसे कॉर्नर्स को थोड़ा डार्क कर लेंगे। अब इस तरह के एक एंगुलर ब्रश से ये मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ जिसे मैं सिर्फ कॉर्नर पे लगाऊंगी। इसे मैं फिर से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लैक कलर से शेडिंग करने के बाद फिर से रस्ट कलर लेना है और उसके ऊपर ब्लेंडिंग करना है। मैक के पैलेट और एक फ्लैट ब्रश, इससे मैं ये येलो कलर ले रही हूँ जिसे आईब्रोज के नीचे वाले एरिया पर लगाना है। इसी पैलेट से मैं ये ऑरेंज कलर ले रही हूँ जिसे मैं येलो कलर के ऊपर लगाऊंगी जिससे एक बहुत सुंदर रेडिश शेड आ जाएगा। फिर ब्लेंडिंग ब्रश से ही हमें इसे ब्लेंड करना है। एक ग्राफ्टोबियन के कलर व्हील से और इस तरह के फ्लैट ब्रश से अब हमें यहाँ क्रीज लाइन क्रिएट करनी है। गोल्ड ग्लिटर कलर, अब फिर से वही ब्राउन कलर लेना है और किसी तरह के हार्ट लाइन अगर दिखे तो उसे अपने को मर्श करना है। इससे बहुत सुंदर शेडिंग आ जाएगी। हुडा के पैलेट से अब हम रेड कलर लेंगे और जो गोल्ड कलर हमने लगाया है उसके साइड में फिर उसकी ब्लेंडिंग करेंगे। ये मेबलिन का
जेल आईलाइनर, इससे हम आईलाइनर करेंगे। लाइनर के ऊपर अब हमें फिर ब्लैक आई शेडो से उसे लॉक करना है। मैंने कहा था कि जो भी जेल प्रोडक्ट अपन यूज़ करेंगे तो उसको पाउडरिंग करके लॉक करेंगे। लैसेस लगाने से पहले एक बार हमें मस्कारा ज़रूर लगा लेना चाहिए, फिर उसके बाद ही लैसेस लगाना चाहिए। ये हैंगपैंग का लिक्विड ग्लिटर, इसे हम जहाँ पे हमने पहले पाउडर ग्लिटर लगाया है उसके ऊपर लगाना है। थोड़ी देर तक इसे सूखने दें, उसके बाद फिर इसके ऊपर हमें शेडिंग करनी है। और फिर से ये हुडा का रेड कलर हमें लेना है, या जो भी रेड कलर आपने यूज़ किया होगा। ये आईलेसेस पे मैंने धूप का ग्लू लगाया है, इसे ग्लो करते हुए 30 तक काउंट करिए, तब तक ये सूख जाएगा। और उसे फिर सेंटर पे पहले लगाएं और उसके बाद साइड चिपकाएं। अब वाटरलाइन पे हमें ब्लैक काजल लगा लेना है, ये भी मैं मैबिलिन का यूज़ कर रही हूँ, जेल का नहीं। यहाँ हमने जो काजल लगाया है उसको फिर से हमें ब्लैक कलर के आई शेडो से लॉक करना है। और उसके बाद जो आई मेकअप में हमने रस्ट कलर यूज़ किया था उसे आउटलाइन के रूप में फिर से लगाना है बाहर। अब मैक के पैलेट से फिर से येलो और ऑरेंज कलर हमें साथ में लेना है और आउटर लाइन बनानी है आंखों के नीचे। ये मैक का आई हाइलाइटर और हाइलाइटर ब्रश, ये भी एक फ्लैट ब्रश है छोटा सा, इस पर हम आईब्रो के नीचे के एरिया को हाईलाइट करेंगे। मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक बार आईब्रो की फिनिशिंग लास्ट में फिर से कर लें। आंखों के अंदर भी ऊपर वाले हिस्से पे भी काजल लगा लेंगे।